हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जहां पे भी होंगे सेफ होंगे। दोस्तों, इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो की रेगुलर अपडेट्स मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड कौन इस्तेमाल नहीं करता, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर आगे आने वाले टाइम में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के फायदे की बात तो यहाँ पे सभी करते हैं। हम यहाँ आज बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड के रहते हुए या फिर जब आप क्रेडिट कार्ड लोगे यूज़ करने के लिए, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आप जो है एक्स्ट्रा चार्जेस पेनल्टी वगैरह से आप बच सकते हो और क्रेडिट कार्ड का जो है सही इस्तेमाल आप करके अपने फायदा जो है आपका जो प्रॉफिट है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के पांच उन डिसएडवांटेज के बारे में या फिर उन पांच इंपॉर्टेंट बातों का जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है और जिनसे जो है आप बैंक के मोटे मोटे चार्ज जो है उनसे आप बच सकते हो। दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है एनुअल परसेंटेज रेट का। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों को APR के बारे में मालूम नहीं होगा। दोस्तों, APR जो होता है, आप जब भी क्रेडिट कार्ड जो है कंपनियाँ या फिर आप बैंक बोल लो जो क्रेडिट कार्ड आपको इशू करती है, आपका जो है क्रेडिट कार्ड पे जो चार्जेस लगाती है वो हमेशा एनुअली लगाती है, चाहे वो आपको मंथली बोलने के बाद भी वो जो है कार्ड पे जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एनुअली कैलकुलेट होती है। और दोस्तों, ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उस पर वो इंटरेस्ट लगाते हैं। कभी भी जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, साधारण ब्याज आपसे नहीं लेते हैं, ये हमेशा आपसे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे आपको जो है बात देखने को मिलती है, ये बैलेंस ट्रांसफर फी। जी हाँ दोस्तों, अमाउंट चार्ज फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस फ्रॉम वन क्रेडिट कार्ड टू अनदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपना बैलेंस किसी अदर जगह ट्रांसफ़र करते हो तो हमेशा जो है आपको एक अच्छा खासा चार्ज पे करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आप देख लो, जब भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेटीएम वॉलेट या फिर किसी अदर जगह भी अगर आप वॉलेट में पैसे ऐड करते हो तो भी आपको चार्ज पे करना पड़ता है। कभी भी ये चीज़ फ्री नहीं होता है, हमेशा आपको इसके लिए आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। तो इस बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए ही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है। तीसरा ऑप्शन ये होता है लेट पेमेंट फी। जी हाँ दोस्तों, आपने एक चीज़ देखा होगा कि बैंक जो है अदर्स लोन्स के लिए या फिर आप अदर्स किसी भी प्रकार के जिस पे आपको पेमेंट करनी है उसके लिए बैंक रिमाइंडर पे रिमाइंडर आपको देती है, एग्जीक्यूटिव वगैरह कॉल करते हैं, लेकिन जब तक आपका क्रेडिट कार्ड का जो डेट है जब आपको पेमेंट करना है तब तक आपको कोई कॉल नहीं आता है। जब आपकी पेमेंट मिस हो जाती है, आपका डेट पार हो चुका होता है, तब आपको बैंक से कॉल आना स्टार्ट होता है क्रेडिट कार्ड के लिए कि सर आपका जो है इतना अमाउंट ड्यू था, इतना अमाउंट आपकी लास्ट पेमेंट थी और आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। क्योंकि दोस्तों, बैंक हमेशा यही चाहते हैं कि आप टाइम पे पेमेंट ना करो। इससे आपका एक तो सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा जो है आपसे बैंक जो है 590 रुपये प्लस GST या फिर इससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो लेट पेमेंट के तौर पर आपसे वसूलता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो तो आप स्टेटमेंट में या फिर आप बैंक्स में बात करके क्लियर कर लो कि आपका जो है डेट क्या है, कब आपको जो है पेमेंट करनी है, या फिर आप स्टेटमेंट आप देखते हो तो वहाँ पे साफ लिखा होता है कि आपका पेमेंट ड्यू डेट क्या है। तो इन बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आता है चार्ज ऑन इजी EMI या फिर नो कॉस्ट EMI बोल लो। दोस्तों, आज के टाइम में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी जाओ आपको ढेर सारे ऑफर्स मिल जाते हैं जहां पे आपको बैंक्स ऑफर करती है कि आप नो कॉस्ट EMI बना लो, कोई चार्ज नहीं लगने वाला, या फिर सारा कुछ जो है डिटेल में आपको देखने को मिलता है। बार बार इजी EMI, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो आपको वहां पे EMI का ऑप्शन दिख जाता है। दोस्तों, नो कॉस्ट EMI में क्या होता है कि बैंक इंटरेस्ट वसूलती नहीं है, इंटरेस्ट का जो पैसा होता है आपको वापस मिल जाता है या फिर इंटरेस्ट का पैसा है बैंक आपसे नहीं लेती है। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप नो कॉस्ट EMI क्रिएट करते हो तो नो EMI क्रिएट के जो है चार्जेस आपको लगती है। जी हाँ दोस्तों, EMI क्रिएशन के चार्जेस हमेशा होते हैं, वो चीज़ आपको विथ GST, वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तभी आपको जो है सुटेबल अमाउंट को आप EMI में कन्वर्ट करो। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम पेमेंट ड्यू की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और पूरा पेमेंट नहीं कर पाते हैं।
दोस्तों इसके लिए वो क्या करते हैं कि मिनिमम अमाउंट को जो है पे कर देते हैं। दोस्तों जब भी स्टेटमेंट आप देखते हो ऊपर में आपको टोटल अमाउंट ड्यू और नीचे जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू का ऑप्शन आता है। मिनिमम अमाउंट ड्यू में दोस्तों क्या होता है कि अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू करते हो, अपना पेमेंट करते हो, तो आपको टोटल जितना भी बकाया राशि है उसका आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि अगर आपके पास एग्जांपल आपका 5,000 रुपये का आपका टोटल बिल आया है और मिनिमम पेमेंट 500 रुपये की है, अगर आपके पास 2,000 रुपये भी हैं तो आप 2,000 क्रेडिट कार्ड में अदर्स अमाउंट में जाके डिपॉजिट कर दो या फिर 2,000 का पेमेंट कर दो। इससे क्या होगा कि आपका कुछ जो पार्ट है वो कम होता जाएगा, क्योंकि आप अगर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हो तो आपका इंटरेस्ट जो है बस वही कम होगा, आपका जो टोटल अमाउंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। इन बातों का ध्यान रखते साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो आपको जो है काफ़ी सारे चार्जेस पेनल्टी वगैरह से आप बच सकते हो। दोस्तों हमारा मकसद आप पे फाइनेंशियल अवेयरनेस को पैदा करना है, जिससे आप जो है अलग अलग चार्जेस, अलग अलग जो भी पेनल्टी है उससे आप बच सको और अच्छे से जो है अपने कार्ड को इस्तेमाल कर सको। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें।